वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। यूपी पुलिस अपराधियों को तो पकड़ ही रही है, पर उन पुलिस अधिकारियों को भी एक्शन लिया जा रहा है जो भ्रष्टाचार की कालीख में उनका मुंह पोता कर घूम रहे हैं। जी हाँ, जो वर्दी पहनकर अपना फर्ज भूल चुके हैं, जो नियम कायदों को ताक पर रखकर उनकी परवाह नहीं करते। और ऐसा ही एक बड़ा एक्शन लिया गया है नोएडा में, जहां पर पुलिस अधिकारी चंद पैसों और एक कार के आगे अपने जमीर को बेचा। जी हाँ, वो भूल गया था कि उसे ये वर्दी अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए दी गई है, ना कि अपराधियों को सलाखों से बाहर निकालने के लिए और रिश्वत खाने के लिए। दरअसल 20 लाख रुपए और क्रेटा कार लेकर एटीएम हैकरों को छोड़ने के मामले में नोएडा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कमिश्नर आलोक सिंह को मंगलवार रात इस मामले में क्राइम ब्रांच प्रभारी शावेज खान और हेड कांस्टेबल अमरीश को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही पूरी क्राइम ब्रांच को भंग कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही क्राइम ब्रांच से जुड़े सभी पुलिसकर्मियों की संपत्ति की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्राइम ब्रांच से जुड़े सभी पुलिसकर्मियों की संपत्ति की जांच अब आधे इस तरह के आदेश दिए गए हैं, और बहुत जल्द उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा जो अभी इस मामले में बचे हुए हैं। इस खबर को शेयर करते हुए प्रशांत ने लिखा कि 20 लाख रुपए और क्रेटा लेकर बदमाशों को छोड़ने वाले मामले में इंस्पेक्टर मोहम्मद शावेज खान व हेड कांस्टेबल अमरीश कांत यादव को बर्खास्त कर दिया गया है। नोएडा पुलिस की स्वाट टीम भी लाइन हाजिर कर दी गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि आरोपियों की संपत्तियों की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि इन पुलिसकर्मियों की भर्ती भी सपा काल में हुई थी, यानी अखिलेश राज के अंदर इनकी भर्ती की गई थी। साथ ही एक तस्वीर भी शेयर की गई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाने पुलिस ने सोमवार को 5 एटीएम हैकरों को गिरफ्तार किया है। और ये गैंग खास सॉफ्टवेयर के जरिए पूरी मशीन को हैक करके उसमें से लाखों रुपए का कैश निकालकर रफू चक्कर हो जाते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि उनके 3 महीने पहले ही नोएडा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया था, लेकिन 20 लाख रुपए और क्रेटा कार लेकर उसे छोड़ दिया गया था। वहीं आरोपों की अब डीजीपी ऑफिस में हाई लेवल जांच भी शुरू की गई, जिसके बाद आपको बता दें कि इंद्रापुरम पुलिस ने 5 आरोपियों को मंगलवार शाम जेल भेज दिया। यूपी पुलिस ने बता दिया है कि अपराधियों के लिए ये तो काल है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी एक्शन लेने से वो गुरेज नहीं करेंगे जो भ्रष्टाचार करते हैं और वर्दी का फायदा उठाकर उनमें किस तरह से भ्रष्टाचार के लगातार बढ़ाते हैं और अपराधियों को छोड़ने में, अपराधियों को, अपराध को बढ़ाने में अपराधियों का साथ देते हैं। जो शेर की खाल में भेड़िया बने बैठे हैं, ऐसे लोगों को यूपी पुलिस बिल्कुल नहीं छोड़े, और ना ही सूबे के मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को बख्शने वाले हैं। फिलहाल इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।